या बी को माना था टू वाई होगा, बी को टू वाई मान लिया था, तो एंटर बी को टू वाई माना था तो ये भी वाई हो गया, ये भी वाई हो गया, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, ऐसे ही करा था कुछ, ऐसा ही करा था ना, ठीक। ऐसे ही ये वाई टू वाई लिया पूरा, तो ये अपोजिट वाला भी टू वाई, ये भी वाई हो गया, ये भी वाई हो गया। अब देखिएगा हमने ये कहा कि ये एक्स है एंगल, ये वाई है एंगल, और कौन से वाले में प्रॉब्लम आ रही थी, पी निकालने में। बोलो सर, ट्रायंगल आरएबी समझ नहीं आ रहा था। आरएबी ट्रायंगल आर ए बी, आर ए बी, आर ए बी सर, इसमें बन आर ए बी कहां से बन गया दिखाओ सर। आपने सर आपने लिखा रखा, लिखा रखा आर ए बी बनाना सर। सुनिए, सर मैंने फिगर गलत बना दी, जो लाइन ऐसे जानी चाहिए थी उसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, वो ठीक कर रहा हूँ। क्या हो गया आपको देखो, अरे ये क्या हो गया भाई, सर चोट लग गई मेरे गोलों में। रुकिए भाई एक मिनट रुकिए, हमारे वॉशरूम का जो लॉक है वो ख़राब हो रहा है, तो मुझे अंदर से खोलना पड़ेगा, एक मिनट रुको, आप यहीं से आ जाना, मैं अंदर से खोल रहा हूँ। चलो जी एग्जांपल नंबर 5 में दोबारा से करेंगे, डायग्राम बनाओ दोबारा। पैरेललोग्राम बनाइए ए बी सी डी, ठीक है, और जो एंगल बी है, एंगल बी है, एंगल बी का बाइसेक्टर गया ऐसे, और ये दोनों जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं उस पॉइंट को बोला पी। ऐसे ही जो एंगल डी है, एंगल डी का बाइसेक्टर गया ऐसे, और जो एंगल सी है, एंगल सी का बाइसेक्टर गया ऐसे। अब ये जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं ये पॉइंट हो गया क्यू पी, नहीं सॉरी आर, ये वाला पॉइंट है आर, ये वाला पॉइंट है क्यू, और ये वाला पॉइंट है एस।
ये हो गया। तो अब आप ये करिएगा कि लेट एबीसीडी लेट एबीसीडी बी द गिवन पैरेललोग्राम लेट एबीसीडी बी द गिवन पैरेललोग्राम टू प्रूव P Q R S is a to prove P Q R S is a rectangle. हमको ये प्रूव करना है कि P Q R S जो है वो एक रेक्टेंगल है। अब कैसे करेंगे? हम ये कहेंगे यहाँ पर लेट एंगल A is equal to 2x, it implies that angle C is equal to 2x. Opposite angles are parallel. Reason में लिखिएगा opposite angles of a parallelogram. बस इतना mention कर दीजिए कि opposite angles हैं parallelogram के, तो वो equally होंगे, है ना? तो ये वाला अब जब इसकी बाइसेक्टर की बात करी जा रही है, ए बी इसका बाइसेक्टर है, तो ये भी x और ये भी x, इसी तरह से ये भी y सॉरी ये भी x और ये भी x, फिर क्या करें? लेट एंगल बी इज इक्वल टू 2y, इट इंप्लाइज दैट एंगल डी इज इक्वल टू 2y, रीजन में लिखिए फिर से वही अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो भाई ये 2y है, तो ये भी y और y और ये भी y और y, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। फिर हम ये कहेंगे सिंस क्योंकि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AD इज पैरेलल टू BC, AD is parallel to BC, ये वाली जो लाइन है AD और ये वाली जो लाइन है BC, ये दोनों पैरेलल हो गई। तो AD is parallel to BC, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, मतलब AB is behaving like a transversal, तो ये वाला एंगल पूरा 2x और ये वाला एंगल पूरा 2y, ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो गए? को इंटीरियर एंगल, तो इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो हम ये कहेंगे 2x plus 2y, 2x plus 2y is equal to 180 degree, reason में लिखिएगा co interior angles, co interior angles। ठीक है, तो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या आ गया? x plus y is equal to 180 degree, 2 ones are 2, 2 90s are 180, तो x plus y is equal to 90 degree, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दीजिए। x plus y is equal to 90 degree, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब मैं ये कहूंगा कि इन ट्रायंगल P A B, इन ट्राइंगल P A B, इन ट्राइंगल P A B, तो ये क्या हो गया? एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन में लिखिएगा एंगल सम। हाँ जी सर, अगर ये जैसे एंगल ये लिखेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा? एंगल ये तो मतलब कि पूरा एंगल हुआ, पी एंगल पी ए बी नहीं होना चाहिए? पी ए बी लिख दो, मैंने पहले लिख दिया ना इन ट्राइंगल पी ए बी, तो ट्राइंगल पी ए बी के अंदर वाला एंगल है, तो पूरा लिख दो, कोई बात एंगल पी तो चलिए फिक्स है ना, इसको लिख दो एंगल पी ए बी, एंगल पी
प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए, ये पूरा 180 डिग्री हो गया। अब एंगल पी प्लस एंगल पी ए बी कितना है एक्स, और एंगल पी बी ए कितना है वाई, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी और एक्स प्लस वाई कितना हो गया 90 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 90 डिग्री को उधर ले गए तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई कि एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि इसी तरीके से आप कहें इन ट्राइंगल डी आर सी, इन ट्राइंगल डी आर सी एंगल आर, एंगल आर प्लस एंगल आर डी सी प्लस एंगल आर सी डी, is equal to 180 degree. So angle R is equal to 180 degree minus 90 degree मतलब 90 degree. तो हमारा इसको बोल दीजिए equation number 3, angle R जो है ये भी 90 degree के equal आ गया। उसके बाद करेंगे in triangle ASD, in triangle ASD एंगल एएसडी, एंगल एएसडी मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल एसएडी, एंगल एएसडी प्लस एंगल एसएडी प्लस एंगल एसडीए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए एस डी, एंगल ए एस डी प्लस एंगल एस ए डी कितना हो गया एक्स, प्लस एंगल एस डी ए कितना हो गया वाई, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई हो गया 90 डिग्री, एंगल ए एस डी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए एस डी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, angle ASD is equal to 90 degree. Angle ASD 90 degree हो गया, मतलब ये वाला एंगल 90 है, तो obviously ये वाला एंगल भी 90 होगा, vertically opposite angle, ठीक है? तो angle ASD is equal to angle PSR, is equal to 90 degree. ये सब देखिएगा, vertically opposite angles. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, फिर मैं कहूँगा पी क्यू आर एस इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, अगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस की बात करेंगे तो भाई पी क्यू आर एस के अंदर वाले सारे एंगल्स, एंगल पी प्लस एंगल एस, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, तो तीन एंगल 90 डिग्री के आ ही गए हैं, तो चौथा भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल पी जो है वो भी 90 डिग्री, एंगल क्यू वो मुझे निकालना है, एंगल क्यू प्लस एंगल आर, एंगल आर ये रहा एंगल आर 90 डिग्री, और एंगल एस यही तो है पी एस आर, और पी एस आर और ए एस डी दोनों इक्वल है पी एस आर, तो इसका मतलब ये अंदर वाला एंगल
समझ रहे हैं सभी बच्चे, बता दीजिए। यस सर, बिल्कुल। श्वेता क्लियर है? अब देखिएगा 90 प्लस 90 प्लस 90 270 हो गया, तो एंगल क्यू प्लस 270 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो एंगल क्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो PQRS is a rectangle. PQRS एक rectangle हो गया, ठीक है जी? Yes. इसके बाद में थ्योरम 8 दे रखी है, हमने 7 थ्योरम तो कर ली थी इसमें, सर बाकी क्वेश्चन नहीं करेंगे, करेंगे अभी पहले। हाँ 10 क्या? हाँ वो तो है, पर एक बार थ्योरम 8 वाली देख लेते हैं। अनदर कंडीशन फॉर क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम, थ्योरम 8 नोट करें, ये पेज नंबर 145 पर थ्योरम 8। थ्योरम 8 नोट करें, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम if a pair of opposite sides is equal and parallel, की बात करी जाती है तो पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं दोनों पेयर वो पैरेलल होती है, ठीक है? अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल है उसको पैरेललोग्राम कहा जा सकता है इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल दे रखा है ना, तो दूसरा पेयर भी इक्वल और पैरेलल हो जाएगा, ये चीज हमको शो करनी है, ठीक है? पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म क्या थी? दो डंडी ऑफ एक ग्राम सर 11 लिख के नीचे GRM पूरा GRM है ना, तो यही पढ़ा सर, कैसे भी लिख दो एक पूरे लिख दो।
इसमें तो कोई लिखा नहीं है, इसमें तो पूरा ही पूरा लिखा हुआ है। कैसे भी लिख लो आप। चलिए ये क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो इसको बनाएंगे ही कुछ ऐसा, ये देखने में भी पैरेललोग्राम जैसा दिखाई देगा। ठीक है, ए बी सी और डी। अरे मार्क्स दिखा दिए तुम्हारे, आज तो दिखा दिए हमने मार्क्स, आज भी नहीं दिखाए दो घंटे की असेंबली है। दो घंटे कौन माता जी डायगनल हो गया तो ये दे रखा है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हम ये कहेंगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, लिख लीजिए दोनों ट्राइंगल लिख लो, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। ए सी डी और ए बी सी दोनों ट्राइंगल में मैंने कहा कि ये उन्होंने एक पेयर तो अपोजिट साइड्स का इक्वल बोला ही है ना, इक्वल भी बोला है और पैरेलल भी बोला है, तो डी सी इज इक्वल टू ए बी हो गया। उसके बाद देखिएगा, फिर मैं ये कहूँगा ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए बी डी सी के पैरेलल भी है।
तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, यहाँ निकलेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर बाद में ये कहेंगे कि तो ये वाला साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ये तो साइड एसी है, इस एंगल से भी लाइन करनी है और इसमें लाइन करनी है, तो लिखिएगा एसी इज इक्वल टू एसी एसी इज इक्वल टू एसी कॉमन साइड, तो ये कॉमन साइड हो गई। तो अब आप ये देखिएगा कि क्या हो गया, क्या यूज करा हमने, साइड एंगल और साइड, ठीक। तो लिखिएगा भाई एस एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, भाई एस एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, अब इसमें दो साइड है और एक एंगल है, तो जो दो साइड दे रखी है वो लेकर चलेंगे, डी सी इज इक्वल टू ए बी है और ए सी इज इक्वल टू ए सी है, तो ऐसे लिख लो डी सी is equal to AB और इधर AC is equal to AC, ये जो DC और AC है अगर इसको कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, DC है और CA, जब कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा DCA, तो ट्रायंगल DCA is congruent to AB और AC, AB और AC में AB और AC में कॉमन क्या है भाई, पहले ऐसे लिख लो ए बी, अगर ए बी और ए सी तो अल्फाबेट कॉमन कौन सा है, ए, तो इसको बी ए लिख दो और ये ए सी, जब कंबाइन करेंगे तो बी ए सी बन जाएगा, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी ए इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है। और जब ये हो गया तो इससे फिर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं भाई, आप देखिए ये वाला जो है डी सी ए, डी सी ए में ए कौन सी पोजीशन पर लिखा हुआ है, थर्ड पोजीशन पर, और बी ए सी में, बी ए सी में सी कहाँ पर लिखा हुआ है, थर्ड पोजीशन पर, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पर जो अल्फाबेट लिखे हैं तो थर्ड पोजीशन वाला एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो इसको क्या बोलूँगा, इट इम्प्लाइज दैट एंगल डी ए सी is equal to angle BCA, so DAC is equal to angle BCA, ठीक है। It again implies that जब ये DAC और BCA equal हो गए तो हम ये कहेंगे कि angle DAC and angle BCA are forming a pair of alternate are forming a pair of alternate interior angles, are forming a pair of alternate interior angles, so AD is parallel to BC, हो गया। तो AB तो CD के parallel दे ही रखा था और AD BC के parallel हमने prove कर दिया, तो जब दोनों opposite sides जो हैं वो parallel हो गई तो हम ये कहेंगे AB CD is a parallel group, ऐसे हो गया। हम ये बोलेंगे therefore ABCD is a parallelogram, तो इस थ्योरम में हमको ना यही प्रूव करना है। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, निखिल वेदांत बताइए, क्लियर है वेदांत, ठीक है।
आज इतना ही कर लीजिए, और कल का ना मैं और रखूँगा, आपकी नेक्स्ट क्लास परसों होगी और संडे को आपकी क्लास होगी, ठीक है।